अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चाहते हैं सिगरेट छोड़ना, या आप अपने परिवारजन के लिए वीडियो देख रहे हैं जिनकी आप सिगरेट छुड़वाना चाहते हैं। तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि ये है आपका पहला कदम सिगरेट छोड़ने की ओर। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आज हम शेयर करेंगे कुछ ऐसे टिप्स जो आपकी सिगरेट छुड़वा सकते हैं। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं आपका दोस्त निखिल और स्वागत करता हूं चैनल जिसका नाम है हमारा है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि यहां हम शेयर करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे बातें जो लाइफ का हमारी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा होता है। चलिए जानते हैं हमारी छोटी छोटी कोशिशों से एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं हम अपनी सेहतमंद ज़िंदगी में। पहली कोशिश, बहाने बनाना बंद करें। यार बहुत परेशान हूँ, चल एक सिगरेट पी लेता हूँ। यार अब मैंने डिसाइड कर लिया है, कल से सिगरेट बंद है, आज बस लास्ट ही पी रहा हूँ मैं। भाई तुझे पता नहीं है इससे ना कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई होता है, सुट्टा पी के कोई काम करेंगे ना तो ध्यान एकदम ऐसे लग जाता है वहाँ पे। ये हम जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। हम जानते हैं कि ये हम बहाने बना रहे हैं, हमें सिगरेट पीने की तलब लगी है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि सिगरेट में निकोटीन नाम का पदार्थ होता है, पहले तो हमारे कॉन्सेंट्रेशन लेवल को खराब करता है, फिर उसी कॉन्सेंट्रेशन लेवल को बनाने के लिए हमें सिगरेट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि निकोटीन वो थोड़ी देर के लिए हमारे कॉन्सेंट्रेशन लेवल को स्टिमुलेट कर देता है, जिससे हमें लगता है कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल अच्छा हो रहा है सिगरेट पीने की वजह से, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो बहाने बनाना बंद कीजिए और अपने आप को धोखा देना बंद कीजिए। दूसरी कोशिश, सहायता लें। हमारे आसपास हमारे दोस्त, हमारे परिवार के लोग, कुछ लोग ऐसे भी होंगे हमारी ज़िंदगी में जो हमें सिगरेट पीने के लिए मना करते होंगे। अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ बिताएं, और वो जो आपके सुट्टा फ्रेंड है जिनके साथ आप सिगरेट पीते हैं उनसे 2-3 महीने के लिए दूरी बना लें, क्योंकि कुछ दोस्तों की शक्ल ही ऐसी होती है जिन्हें देख के सिगरेट पीने का मन कर जाता है। अगर आप उनसे दूरी नहीं बना सकते तो जब वो सिगरेट पीने जा रहे हैं तब उस समय को अवॉइड करना सीखिए। सबसे बड़ी बात, ना कहना सीखें, और अपने दोस्तों को परिवार में बता दे कि मैंने सिगरेट छोड़ दी है, तो जो आपके अच्छे दोस्त होंगे वो आपको सिगरेट पीने के लिए फोर्स करेंगे ही नहीं। हो सके तो थोड़ा उनसे भी दूर रहिए जो आपको बार 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 सिगरेट छोड़ने के लिए बोलते रहते हैं, जिनकी बातें आपको लेक्चर लगती है जो कि होता नहीं है, और वो बातें और लेक्चर सुनने के बाद आप एक की जगह 2 सिगरेट पी आते हैं। तीसरी कोशिश, अपने आसपास एक माहौल बनाएं। अगर आप सिगरेट का पैकेट खरीदते हैं तो उसे खरीदना बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे आपकी सिगरेट पीने की संभावना 2 गुना बढ़ जाती है। तो अपने आसपास सिगरेट की पैकेट की जगह पानी की बोतल रखें, ड्राई फ्रूट्स रखें, चने रखें, और पानी के साथ साथ जूस की बोतल रखें। जब भी आपका सिगरेट पीने का मन करे आप पानी की 1-2 घूंट पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, क्योंकि जो लगातार सिगरेट पीते हैं उनके हाथ को एक आदत सी हो जाती है मुंह के पास बार बार जाने के लिए। तो जैसे ही आप सिगरेट छोड़ देंगे तो आपके हाथ को अधूरा अधूरा सा महसूस होगा, आपको कुछ अधूरा अधूरा सा लगेगा। तो उसके लिए आप अपने आसपास ड्राई फ्रूट्स रखिए, बार बार 1-1, 2-2 दाना उसका खाते रहिए, 1-1 घूंट पानी पीते रहिए, जिससे आपका हाथ भी थोड़ा बिजी रहेगा और आपको कुछ कमी भी नहीं लगेगी, और ऐसा करने से आपकी सेहत भी अच्छी होगी। अपनी कार में, ऑफिस में, घर में लाइटर, सिगरेट और एस्ट्रे को फेंक दीजिए। अब ये मत सोचिएगा कि आपके पास 10 सिगरेट पड़ी हुई हैं तो उन्हें पी के ख़त्म कर देता हूँ, पी के ख़त्म मत कीजिएगा, उसे फेंक दीजिएगा। जब भी सिगरेट पीने का मन करे पानी पी लीजिए, इलायची खा लीजिए, ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। चौथी कोशिश, खुद को कमज़ोर ना समझें। जब आप सिगरेट छोड़ देते हैं तो कुछ दिन आपके ऐसे बीतते हैं कि मानो एक जंग लड़ रहे हो आप खुद से, और आपका बार बार मन करता है सिगरेट पीने का, सिगरेट की तलब लगती है आपको। चिंता मत कीजिए, ये कुछ दिन ही आपको लगेगा। जैसे ही आप सिगरेट छोड़ देते हैं तो आपको दिन में 6-8 बार सिगरेट पीने की तलब लगती है, और वो तलब 3-4 ही मिनट रहती है बस। बस दोस्तों, उन 3-4 मिनट में ही आपको ये साबित करना है कि आप कमज़ोर नहीं हैं। मन में आपको ये सोचना है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं इस फीलिंग से लड़ सकता हूँ। आप उस टाइम पे पानी पीजिए, 1-1 घूंट करके पानी पीजिए, उन 3-4 मिनट तक टहलना शुरू कर दीजिए, इलायची खाइए, टॉफ़ी खाइए, थोड़ी देर तक उसे मुँह में रहने दीजिए अपने। 3-4 मिनट बाद ये तलब आपकी ख़त्म हो जाएगी, और धीरे धीरे आपको इसकी आदत भी ख़त्म हो जाएगी। पांचवी कोशिश, कुछ ऐसी जगहों पे जाना इग्नोर कीजिए।
ऑफिस में काम करते करते स्ट्रेस हो जाता है, फिर लोगों को लगता है कि चलो एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं। उस ब्रेक में आप फ़ोन पे बिज़ी हो जाइए, फ़ोन पे बात कीजिए, व्हाट्सएप यूज़ करिए, फेसबुक यूज़ करिए और अपने आप को बिज़ी कर लीजिए। अपने आसपास लोगों को बता दीजिए कि मैंने सिगरेट छोड़ दी है, तो मुझे ऐसे सुट्टे ब्रेक पे ना लेके जाएं, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप वहाँ जाकर एक सिगरेट पी ही लेंगे। और जो लोग कहते हैं कि यार कभी कभी पीने से कुछ नहीं होता, उनको थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर आपने उनकी ये बात मान ली कि कभी कभी पीने से कुछ नहीं होता, या अगर आपके ही दिमाग में ये बात आ गई, तो आपने जितनी भी मेहनत करी है सब बर्बाद हो जाने वाली है। कुछ लोगों की आदत होती है खाना खाने के बाद सिगरेट पीना, कहते हैं डाइजेशन अच्छा होता है, लेकिन वो आपके डाइजेशन को उल्टा खराब कर रहा है। तो खाना खाने के बाद कोशिश करिए कि आप थोड़ी देर टहलें, जिससे आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, आपकी सेहत बनी रहेगी। कुछ लोगों को सुबह उठते ही फ्रेश होने के लिए भी सिगरेट चाहिए होती है, वो टॉयलेट में अपने साथ सिगरेट ले जाते हैं, जब तक टॉयलेट में सिगरेट नहीं ले जाएंगे वो फ्रेश नहीं हो पाएंगे। उसकी जगह आप 2 से 4 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, थोड़ी देर घूमिए, आप बहुत फ्रेश फील करेंगे। छठी कोशिश, सिगरेट से होने वाले नुकसानों को याद रखिए। हमेशा सिगरेट से होने वाले नुकसान के बारे में आप पढ़िए, उसके बारे में वीडियोस देखिए, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी सिगरेट के नुकसान क्या हो सकते हैं, आप ऐसी वीडियो देखिए, पढ़िए न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़िए और अपनी अच्छी सेहत के बारे में सोचिए कि सिगरेट पीने के बाद आपकी सेहत कितनी अच्छी होने वाली है। आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, सुबह नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं आधा घंटा, आप योगा कर सकते हैं, और योगा में भी स्पेशली अनुलोम विलोम एक आसन होता है जिसे आप 10 से 15 मिनट करेंगे, लेकिन आपको ये सीख के करना होगा। आप 10 से 15 मिनट करेंगे इसे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, आपके शरीर में ग्लो आएगा, आप फ्रेश फील भी करेंगे और फ्रेश दिखेंगे भी। आप कुछ दिन रोज यही आपको करना है, रोज पढ़ें, वीडियोस देखें, नुकसान के बारे में याद रखें हमेशा। 7वीं कोशिश, हिसाब जोड़ें। आप एक रजिस्टर ले लीजिए, उसमें कैलकुलेट कीजिए कि आप दिन की कितनी सिगरेट पीते हैं और ये कब से पीते आ रहे हैं आप, और उन पे कितना पैसा खर्च हुआ है। इस सब का आप टोटल करेंगे तो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि आपने अपनी सेहत खराब करने के पैसे दिए हैं, जो आपकी सेविंग भी हो सकती थी, जो आप अपनी सेहत बनाने के ऊपर भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन आपने ये धुएं में उड़ा दिए पैसे। तो जो भी आपका सिगरेट का खर्चा होता था उस पैसे को सेव करना शुरू करिए, और मैं तो कहूँगा अगर आपके पास बहुत अच्छा पैसा है तो उसे जलाने के बदले किसी को दान कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ मेरी तरफ से टिप्स जो आपकी मदद कर सकती है सिगरेट छोड़ने में। चलिए जल्दी से एक बार फिर दोबारा से जान लेते हैं हमें क्या क्या करना होता है। पॉइंट नंबर 1, बहाने बनाना बंद करें। पॉइंट नंबर 2, परिवार दोस्तों की मदद लेना शुरू करें। पॉइंट नंबर 3, एक माहौल बनाएं अपने आसपास सिगरेट छोड़ने के लिए। पॉइंट नंबर 4, खुद को कमज़ोर ना समझें, अपने आप को मजबूत बनाएं। पॉइंट नंबर 5, कुछ जगह और लोगों को कुछ दिन के लिए अवॉइड करें। पॉइंट नंबर 6, सिगरेट के नुकसानों को याद रखें और अपनी सेहत के बारे में सोचें। पॉइंट नंबर 7, अपना हिसाब किताब जोड़े, देखें आपने कितने पैसे बर्बाद कर दिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपकी लाइफ में मदद करेंगे सिगरेट छोड़ने के लिए, या आपके परिवारजन में जो भी सिगरेट पीता है उसकी मदद करेंगे सिगरेट छोड़ने के लिए। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर जो सिगरेट पीते हैं या जो सिगरेट नहीं भी पीते हैं उनको भी शेयर कीजिए, क्योंकि सिगरेट पीने वाले के साथ खड़ा होना भी उतना ही नुकसानदायक होता है जितना सिगरेट पीने वाले को नुकसान करती है ये सिगरेट, क्योंकि उस टाइम पे हम कर रहे होते हैं पैसिव स्मोकिंग। तो अपने आसपास बच्चों को दूर रखिए स्मोकिंग एरिया से, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।